श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय सारा। नमस्ते दोस्तों, मास्टरिंग सूट पे थे हम लोग। तो मास्टरिंग सूट पे हम लोग कौन सा इक्यूज लगाते हैं और कौन सा प्लगइन्स लगाते हैं, इसके लेके बात हो रहा था। पुराना वीडियो में हम लोग दिखाए थे क्लोजर वन, उसके बाद हम लोग दिखाए डायनामिक्स के ऊपर कुछ वीडियोस। अभी हम लोग आएंगे लो एंड फोकस। ये लो एंड फोकस क्या होता है, क्योंकि एक चेन जब आप बनाएंगे मास्टरिंग करने के लिए, तो उस चेन बनाने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि किसके बाद कौन सा प्लगइन रखें, ताकि आपका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन सुनने को अच्छा लगे। तो यहाँ पे पहले इक्वलाइजर वन लिखा है, उसके बाद डायनामिक्स, उसके बाद लो एंड फोकस, और बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पे इकट्ठे किए हमने, लेकिन उसको हम धीरे धीरे आएंगे एक के बाद एक। आज जो टॉपिक लेके आए हैं ये है लो एंड फोकस, हाउ टू यूज़ द लो एंड फोकस ऑन क्लोजर 9, एंड क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, और जब हम लोग प्रीमिक्स में उसको डालेंगे मास्टरिंग करने के लिए तो सुनने को कैसे लगता है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। पहले ये लो एंड जो फोकस यहाँ पे है इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि आपको कैसे उसको ऐड करना है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जो प्लस साइन है इसमें जाइएगा और यहाँ पे आपको दिखाई देगा लो एंड फोकस, ये जो सफ़ेद वाला, इसको क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप ड्रैग करके बिल्कुल डायनामिक्स के बाजू में रहिए, आपका डायनामिक्स जो यहाँ पे है इसके बाजू में रखिए। रखने के बाद अब इसको सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और कुछ नहीं, दो ही एंड है, एक तो आपको प्रीसेट विंडो देगा ही, लेकिन मैं उससे पहले आपको मैं बोल देता हूँ कि इसका काम क्या है। ये है फ्रीक्वेंसी रेंज, जो बैंड आपको सिर्फ यही बैंड मिलेगा, एक ही बैंड आपको मिलेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज, जो कि आप इसको आप जितना भी खींचना चाहें उधर नहीं जाएगा, क्योंकि लो के ऊपर काम करता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर आप टू 300 हर्ट्ज तक ये काम करता है लो एंड के ऊपर। इसी लो एंड के अंदर अगर आपका लो है जिसको आप फोकस करना चाहते हैं तो उसको आप फोकस कर सकते हैं, बाकी सबको निकाल के पर्टिकुलरली जो लो फ्रिक्वेंसी को आप फोकस कर रहे हो उसी लो फ्रिक्वेंसी पे आप काम कर सकते हो, उसको एनहांस कर सकते हो। जैसे किक का ड्राम्स हो सकता है, बस गिटर का जो थम्बिंग नोट होता है, बहुत सारे कुछ होता है लोस का। तो ऐसे ही एक कोई एक सामान लेके हम काम करेंगे। तो ये है आपका बैंड सिलेक्शन, 20 हर्ट्ज से लेके अप टू 300 हर्ट्ज तक ये काम करता है। और इसमें भी आपको जो मोड है, पहले एक स्टीरियो मोड देगा और मिड साइड मोड देगा। मिड बोलो तो मिड सेक्शन में आपको जो आपको लो सुनाई देगा इसका एरिया आप सेट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा स्टीरियो फील्ड में जो एरिया आप सेट करेंगे मिड मतलब मिड एरिया में, जैसे जैसे मिड एरिया में सेम फील्ड लेकिन काम करेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप साइड में चेंज कर सकते हैं। साइड में आप इसको अगर थोड़ा सा चेंज करके रखेंगे तो वो साइड के हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन मिड के साइड में जाएंगे तो वो जो अपने जो जो स्टीरियो सेक्शन में जो रखा था उसी हिसाब से वो काम करेगा। तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा, मिड साइड में सिर्फ मिड और स्टीरियो फील्ड दोनों एक होता है, बराबर होता है, बाकी साइड फील्ड कुछ अलग होता है। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे वो आप देख लेते हैं। फिलहाल चलते हैं स्टीरियो फील्ड में, क्योंकि सबसे पहले स्टीरियो को हमको बनाना है। हमारे यहाँ पे जो गाने जो है, यहाँ पे जो गाना, एक गाना हमने प्रीमिक्स करके रखा है, आपने सुना होंगे लास्ट वीक में, उसको हम फिर से एक बार सुन लेते हैं। चलिए इसको ऑफ करके एक चीज गौर कीजिएगा, इसके अंदर ड्रम्स का किक है, लेकिन ड्रम्स का किक का भी जो लोज है उसी लोज को थोड़ा सा एम्फेसिस करना चाहेंगे हम, थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहेंगे हम। तो कैसे करेंगे, इसमें दो मोड है, एक है पंची मोड, एक है स्मूथ मोड, ये दो इंजन इसके अंदर है। तो पंची मोड में अगर रहेंगे, क्योंकि आपका अगर पंच चाहिए तो पंची मोड में रह सकते हैं, अगर आपको स्मूथनेस चाहिए तो आप स्मूथ में भी इसको रख सकते हैं। तो चलिए इसको पंची मोड और स्मूथ मोड हम इसी तरह से क्लिक करके सेट कर सकते हैं। तो पंची मोड में हम जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, मैं उसको मान लीजिए कि 40 हर्ट्ज ऐसा के आसपास मैं रखता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा नैरो करता हूँ, लेकिन कहाँ तक नैरो करूँगा, किस हर्ष तक नैरो करूँगा, ये सुनने के लिए मेरे को ये लिसन बटन दबाना पड़ेगा और मेरे को सुनना पड़ेगा प्लेबैक करके। सुनिए,
इसको मैं 40 ईयर्स में लेके आया और इसका जो आउट जो पोर्शन है देखिए किक का एक किक का साउंड आपको सुनाई दे रहा है। हेडफोन यूज कीजिए, आपने हेडफोन यूज कीजिए, हेडफोन यूज करने से आपको ये साउंड सुनाई देगा। तो 110 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज से लेकर अप टू 110 हर्ट्ज इसके अंदर आपको साउंड सुनाई दे रहा है। आप इसको थोड़ा सा इधर उधर खिसक भी सकते हैं एडजस्ट करने के लिए, लेकिन दोनों जो बैंड है साइमल्टेनियसली एक साथ जाएगा। तो मेरे को लगता है कि इस पोजीशन में ये ठीक ठाक रिस्पॉन्स दे रहा है, सुन के देखिए। थर्टी एट हंड्रेड फाइव नहीं तो 40 110। तो आपको लगता है कि 40 हर्ट्ज से लेकर आप 110 हर्ट्ज के अंदर जो जो लोज आपको मिल रहा है उस लोज ठीक ठाक है, तो उसको आप यहाँ से जो इंजन है इस इंजन के इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, इसको मतलब इंजन को चालू करते हैं और उसका इंजन को आप ऑन रखेंगे उतना ही, तो उसको 75% आप कर दीजिए। तो 75% प्रोसेसिंग पावर जब देंगे तो पर्टिकुलरली उसी लेवल का जो लोज है जो लोज को आप देख रहे हो उसी लोज को वो एम्फेसिस करेगा। किस हिसाब से एम्फेसिस करेगा, ये जो वहाँ पे जो गेन स्विच है उसके हिसाब से इसको थोड़ा सा बूस्ट करें। 2.8 डीबी बूस्ट करें, आप देख रहे हैं मीटर पे। मैं फिर से क्लियर करता हूँ, देखिए 40 से लेकर 110 हर्ट्ज ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, बेसिकली कॉमन जगह जो है ये है आपका ये 768 के आसपास है ये वाला फ्रीक्वेंसी, बराबर तो 68 का आसपास में है। अब इधर नाप लीजिए 69 फ्रीक्वेंसी 69 68 67 ऐसा 76 ऐसा कुछ 82, तो मतलब जो हाईएस्ट पीक पॉइंट जो है ये आपको दिखा दे रहा है 82 में ये एक्चुअली है ये, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो स्पेशल मीटर जो है ये आपको सेंटर में शो कर रहा है, मतलब ये 100% ठीक ठाक जा रहा है। फिर से मैं इसको न्यूट्रल करता हूँ, देखिए तो इसको हम अगर 2.8 डीबी बूस्ट करते हैं तो लोज मतलब आपका जो प्रोडक्शन है उसके साथ साथ लोज बहुत बढ़िया से मिक्स होता है और बार में सुनने को बहुत अच्छा लगता है। जो डीजे में जब आप बजाएंगे तो उसका पंच आपको सुनाई देगा साफ साफ। अभी क्या करेंगे, अभी इसका लिसन जो है उसको उठा दीजिए आप। ओ मानी तो आंखों से लोरी वो सुना दे तो सपनों में मैं बह जाऊंगा मुझको रोको, रोको। इसके साथ साथ डायनामिक्स को ऑन करते हैं। मैं बोला है तू आए तो दो तीनों जो प्लगइन्स है तो दिल के राज सुनाऊंगा मुझको रोको, तीनों प्लगइन्स चल रहे एक साथ। हाँ तुम रोको, उसका क्वालिटी सुनिए आप, बहुत ब्राइट है। जब हम ऐसे खोए हो अपनी छोटी दुनिया में, क्यों तुम हमको रोकोगे, तुम भी ऐसे सोचो ना। जब हम ऐसे खोए हो बालों क्लियर, तो ये अब स्टीरियो फील्ड सुन रहे हैं। अभी इस जो स्टीरियो फील्ड जो आप सुन रहे हो इसमें से हम कहाँ आ रहे हैं, मिड साइड में। मिड तो ऑब्वियसली वही बोलेगा, मिड साइड में अगर हम सुनेंगे तो मिड को हम क्या करेंगे, सोलो करते हैं, सुनते हैं मिड साइड, क्योंकि मिड है ये और साइड है ये। लो एंड फोकस जो इंजन जब आप यूज़ करेंगे, प्लगइन्स जब आप यूज़ करेंगे तो उस टाइम आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो होस्ट है, चाहे हो सकता है कि न्यूएंडो हो, क्यूबेस हो, लॉजिक हो, एफएल स्टूडियो हो या प्रोड्यूस हो, कोई भी सिस्टम में जब आप करेंगे डॉज में जब आप इसको प्रोसेस करेंगे ऑब्वियसली आपका सेटअप में जो बाफर साइज है, हार्डवेयर जो बाफर साइज है उसको ज़रा बढ़ा लीजिएगा। जैसे हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सेटअप जो है, इस सेटअप को हम प्लेबैक इंजन में जाते हैं और यहाँ जाके इसका हार्डवेयर बाफर साइज जो है
1024 कर दिया हमने, ठीक है 1024। इसको कम अगर करेंगे तो आपका जो प्रोसेसिंग पावर जो है सीपीयू का वो फेल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हमारा जो ओजोन यहाँ पे जो है ये ओजोन, तो ओजोन बहुत ज़्यादा सीपीयू एनर्जी खाते हैं। इसलिए आपको आपका जो हार्डवेयर सेटअप जो है, हार्डवेयर सेटअप में जाके उसका बफर साइज ऑब्वियसली बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो एक ग्लिचिंग साउंड आ सकता है। तो ऐसे ही जो दिखा रहा था मैंने, ये आपका स्टूडियो फील्ड में आप सुन रहे हो, इसका साउंड कुछ ऐसा है, ठीक है। और इसका जो मिड एंड साइड फील्ड में जो है, मिड साइड फील्ड में आप अगर सुनोगे तो आपको ऐसा साउंड सुनाई देगा। इसको सोलो करते हैं, सुनिए। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें एक हाउलिंग जैसा एक हॉलो साउंड आपको सुनाई देगा, क्योंकि साइड फील्ड स्पीकर के लिए। लेकिन जब आप मिड साइड सुनोगे, मिड मतलब जो मेन जो स्टूडियो फील्ड जो होता है उसके साथ साथ सेंटर में मिड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा असर करता है, तो मिड फील्ड में आपको लेकिन ऐसा सुनाई देगा। तो ये रहा आपका मिड साउंड, ठीक है, मिड फील्ड का साउंड सुनिए। अभी हम लोग आते हैं स्टीरियो फील्ड में, अब स्टीरियो फील्ड में सुनेंगे तो हम देख पाएंगे इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। देखिए इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इसका जो स्पेशल जो ग्राफिक्स आपको दिखा रहा है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, मतलब 45 डिग्री लेफ्ट एंड 45 डिग्री राइट में, ये जो स्पेशल रेशियो आपको दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो साउंड आप वहाँ पे तैयार किया है वो साउंड बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है। और इसका भी जो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट, हाँ तो एंटीफेज जिसको बोलते हैं, ये बिल्कुल 0 डिग्री से लेके, मतलब 0 डिग्री में अगर आप खड़े हैं तो 90 डिग्री ऊपर जाएंगे, और 0 डिग्री माइनस और 0 डिग्री प्लस। ये जो 0 डिग्री माइनस जो है, माइनस देखिए मान लीजिए 80, 60, 40, 30 एंड 0, हाँ वैसे ही आप यहाँ पे जितना लेफ्ट या जितना राइट जाएंगे वो आपको एंटी फेस सिग्नल कितना आ रहा है वो आपको शो करेगा। तो लोग कब जब भी आप ओजोन ए मास्टरिंग स्विच जब आप यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपका बाजू में ऐसा एक पाज एनालाइजर होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको फ्रीक्वेंसी का जो खेल वो चल रहा है अंदर अंदर ये आपको पता नहीं चलेगा। तो इसको आप बाजू में रखते हुए आप इसको सेट कीजिएगा। तो हम लोगों ने पिछले वीक्स में क्या सीखे हैं, पहले इक्वलाइजर सीखे हैं, उसके बाद डायनेमिक सीखे हैं, इसके बाद लो एंड फोकस सीखे हैं, और हम लोग आगे क्या सीखेंगे, आगे सीखेंगे एग्जिटर। यहाँ पे जो आप एग्जिटर देख रहे हो इसका फंक्शंस क्या है वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये देखेंगे नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, मिलते हैं अगला वीडियो लेके नेक्स्ट वीक में। नमस्ते जी।